अजमेर नगर निगम द्वारा संचालित काजी हाउस में लगातार गायों की मौत चिंता का विषय बना हुआ है। भारतीय किसान यूनियन द्वारा आज नगर निगम आयुक्त श्री गोपाल को ज्ञापन सौंपकर विभिन्न मांगों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। किसान यूनियन का कहना है कि काजी हाउस में सर्दी के संसाधन उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते गायों की मौत सामने आ रही है और खाने के लिए भी गायों को कुछ नहीं दिया जा रहा। ऐसे में कई गरीब पशुपालकों की गायों को बंद कर उन्हें मौत के मुंह में धकेला जा रहा है। पशुपालकों ने मांग की है कि नगर निगम की ओर से लगाया जाने वाला जुर्माना 5600 रुपए राशि को कम किया जाए। इसके साथ ही जो गायें प्रशासन की लापरवाही से मरी है उनके लिए मुआवजा राशि जारी की जाए, जिससे कि गरीब पशुपालकों को आर्थिक सहायता मिल सके और वह अपना जीवन यापन कर सके। इसके साथ ही सर्दी के बचाव के साथ साथ गायों को उचित खाने की व्यवस्था भी करने की मांग की गई है। आज हम सब यहाँ नगर निगम में नगर निगम के आयुक्त को ज्ञापन देने आए हैं। कल 7 दिसंबर और 8 दिसंबर को जो कांजी हाउस में गायों की मृत्यु हुई है उनकी निष्पक्ष जांच कराने की हमारी मांग है। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर हम यहाँ ज्ञापन देना है। हमारी प्रमुख मांगें ये हैं कि एक तो जो जुर्माना राशि 5600 वसूली जा रही है पशुपालकों से, ये बहुत ज़्यादा है। इस राशि को कम किया जाए, क्योंकि पशुपालक जिनका मुख्य आय स्रोत ही पशुपालन ही है, उनसे वो 5600 की राशि इतनी अफोर्ड नहीं कर सकते, इस वजह से इसको कम किया जाए। और दूसरी हमारी मांग ये है कि जो कांजी हाउस में गायें मरी उनको पहले कुट्टी दी जाती थी, हरा चारा दिया जाता था, वो अब इन्होंने बंद कर दिया, केवल सूखा खाकला दिया जा रहा है, जिससे कि गायों की मृत्यु हो गई है। जो खाकला खाने से गाय जिंदा नहीं रह सकती, या समय तक जिनसे गायों की मृत्यु हुई है उसकी पूरी उचित व्यवस्था कराया जाए। सर्दियों का कोई प्रबंध नहीं है कांजी हाउस में, केवल आला अधिकारी जो वहाँ बैठे हैं वो अपना ये कह के पल्ला झाड़ देते हैं कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। आपको अगर डिमांड करनी है तो आप जाके अधिकारी से करिए, नगर निगम के जाके आयुक्त से करिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जो गाय पशुपालकों की जो गाय जिनकी मृत्यु हुई है नगर निगम की लापरवाही के कारण, उनको उचित मुआवजा या सहायता राशि प्रदान की जाए, जिससे कि पशुपालकों को थोड़ा सा उनका आय का स्रोत जो है थोड़ा सा मजबूत हो, क्योंकि आय का स्रोत उनका बिल्कुल कम हो चुका है, क्योंकि उनकी गाय जो है मृत हो चुकी है, जिससे वो कमा के खाते हैं। और दूसरी बात, जब पशुपालक वहाँ नगर निगम जाते हैं अपनी गायों को छुड़वाने के लिए कांजी हाउस में, तो वो वहाँ के कर्मचारी उनसे दुर्व्यवहार करते हैं, उनको बोलते हैं अगर पैसे देने तो 5600 ही लगेंगे, दुर्व्यवहार करते पूरा। अगर कोई पशुपालक गरीब है, कोई किस मिडिल क्लास है बेचारे जो अफोर्ड नहीं कर सकते राशि, उनसे भी जबरदस्त दबाव बनाया जाता है, बोले 5600 दो, और गायों को 5600 नाम ली जा रही है, लेकिन 5600 का कोई मुख्य रोल नहीं है, ना गायों को खिलाई हो रही है ना कोई पिलाई हो रही है। दूसरी चीज़, एक तरफ तो हमारे देश में गायों को माता का दर्जा दिया गया है, और दूसरी ओर कांजी हाउस वालों की ये व्यवस्था है कि गायों के साथ ही सुअरों को रखा जा रहा है, इसलिए हम आज यहाँ पे सब एकत्रित हुए हैं पशुपालक, ताकि हम गायों को इंसाफ दिला सकें। और जो गाय मृत्यु है उनकी निष्पक्ष, अब तक 20 गाय गुजर चुकी हैं इन 3 दिनों में, 7 दिसंबर 8 दिसंबर हमारे पास बाकायदे उनकी फोटो है और वीडियो मौजूद है, जो हम अभी इनको इनकी जो नगर निगम आयुक्त है चिन्मय गोपाल जी उनको दिखाएंगे ये चीज़ कि ये आपके राज्य में क्या हो रहा है। अगर आपसे आपके नहीं हो रहा है ये काम, तो आप अपनी कुर्सी छोड़िए।